नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सकें। अगर हमारे वीडियो आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हर इंसान का सोने का अलग अलग तरीका होता है और अलग अलग पसंद भी होती है। नींद लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा और कम नींद लेते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। अनेक रिसर्चर्स का यह मानना है कि लोगों के सोने के तरीके से उनके व्यक्तित्व के बारे में पता किया जा सकता है। कुछ रिसर्चर्स ने अनेक लोगों पर रिसर्च करके ये दावा किया है कि लोगों के सोने के तरीके से उनके पर्सनैलिटी के बारे में भी जाना जा सकता है। आइए जानते हैं कौन सी वो सोने की पोजिशंस जिनसे आप लोगों के व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। पहली है भ्रूण के जैसी पोजीशन। आपने गर्भ में पल रहे बच्चे को तो देखा ही होगा, दोनों घुटनों को मोड़कर एक गोल बॉल की तरह अपना शरीर बनाकर सोना बड़ा आरामदायक लगता है। सही कहा ना मैंने? लेकिन दोस्तों, ऐसे सोने का तरीका सबसे घातक साबित हो सकता है। इस तरह सोने से आपकी स्पाइनल कॉर्ड टेढ़ी हो जाती है और उस पर स्ट्रेस पड़ता है, और ये आपके स्पाइनल कॉर्ड और रीढ़ की हड्डी के लिए अच्छा नहीं होता है। और दूसरा नुकसान ये है कि इस अवस्था में सोने की वजह से आप सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं। ऐसे सोने वाले लोगों के बारे में कहा जाए तो इन लोगों को दूसरों से सुरक्षा पाने की आशा होती है। इनको लगता है कि लोग इनकी बात समझें और इनसे सहानुभूति रखें। ये नए लोगों से पहचान बढ़ाने से भी डरते हैं और उनके साथ घुल मिल जाने में भी काफ़ी समय लगाते हैं। देखा जाए तो ये औरतों की सबसे पसंदीदा पोजीशन है। इस तरह से सोने वाली महिलाएं काफ़ी सेंसिटिव और शर्मिले स्वभाव की होती है। ये बहुत ज़्यादा चिंता भी करती है। ये कभी अपने पति या बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं देती और परिवार वालों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करती है। दूसरी पोजीशन है लॉक पोजीशन। अपनी एक बाजू की तरफ भार देकर सोने की स्थिति को लॉक पोजीशन कहा जाता है, जिसमें शरीर स्ट्रेट रहता है। अगर आपको पीठ दर्द की प्रॉब्लम्स हैं तो ये स्थिति आपके लिए सबसे उत्तम है। अगर आपको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम है तो ये स्थिति आपके लिए भी उत्तम है। इसमें एक नुकसान भी है, सोने के बाद कभी कभी आपका ऊपर का पैर नीचे सटक जाता है और जिससे आपको पीठ दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। इस स्थिति में सोने वाले लोगों के बारे में कहा जाए तो ये दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं और इनको साधारण जीवन जीना बहुत पसंद होता है। ये नए लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं और कभी कभी इनके भोलेपन का लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। ये किसी पर नाराज़ हो जाते हैं तो उसके बारे में ये कभी किसी को नहीं बताते। वक्त पर काम करना इनकी आदत होती है, मतलब इनके बारे में कहा जाए तो ये हर काम नियमित रूप से ही करते हैं। तीसरी पोजीशन है सोल्जर पोजीशन। अपने बाजुओं को साइड में रखकर पीठ के बल सोने की स्थिति को सोल्जर पोजीशन कहते हैं। ये स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम स्थिति है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए सबसे उत्तम है, लेकिन जिनको अश्वसन की प्रॉब्लम है यह उनके लिए ठीक नहीं है कि वो सोल्जर पोजीशन में नींद ले। कुछ रिसर्चर्स का यह मानना है कि ऐसी स्थिति में सोने वाले लोग खर्राटे बहुत ज़्यादा लेते हैं। ऐसी स्थिति में सोने वाले लोगों को स्वयं से बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। यह स्वयं पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और इनको यकीन होता है कि ये कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इनका स्वभाव बाकियों के मुकाबले शांत और स्थिर होता है। ये अपनी बात पर अड़े रहते हैं। इनमें किसी भी बात पर पलटी मारने वाला स्वभाव नहीं होता है। ये जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे पूरी लगन के साथ पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरों की मदद करना इनको अच्छा लगता है। इनको नई नई चीज़ें सीखना बेहद पसंद होता है। हमेशा कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते रहते हैं। चौथी है फ्री फॉल पोजीशन। अपने पेट के बल सोना आपकी पाचन क्रिया में मदद करता है, लेकिन फिर भी ये आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इस पोजीशन में सोने पर आपको सांस लेने के लिए अपनी गर्दन को बार बार घुमाना पड़ता है और जिसकी वजह से आपकी गर्दन में दर्द होने लगता है। ऐसी स्थिति में सोने वाले लोगों के बारे में कहा जाए तो ये लोग प्रेम के भूखे होते हैं। इन्हें प्रेम की आवश्यकता होती है।
इनको सपने देखने की भी आदत होती है। अगर इनका समाज में अपमान होता है तो ये उसे अपने मन में दबा कर रखते हैं और वक्त आने पर उसका सही तरीके से बदला भी ले लेते हैं। इनको हमेशा लगता है कि लोग इनका सम्मान करें और इनका सम्मान न करने वाले लोगों से ये हमेशा दूरी बनाए रखते हैं। ये अपने खान पान और शरीर पर कम ही ध्यान देते हैं। इनको समय गंवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ये किसी के भी साथ अनावश्यक बातों पर चर्चा नहीं करते बैठते हैं और अपना समय नहीं गंवाते हैं। पांचवी बात है अभिलाषी स्थिति। सोते समय अपने दोनों हाथों को अपने सामने रखने की स्थिति को अभिलाषी स्थिति कहा जाता है। इनको भी पीठ दर्द संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती है और कभी कभी कंधों में भी दर्द होता है। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो ये स्थिति आपके लिए भी उत्तम मानी जा सकती है। ऐसी स्थिति में सोने वाले लोगों के बारे में कहा जाए तो ये शांत और काफ़ी विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं। इनका अपमान करना लगभग नामुमकिन होता है। ये किसी की भी बुरी बातों को दिल से नहीं लगाते हैं और तुरंत भूल जाते हैं। इनको भविष्य की चिंता ज़्यादा नहीं सताती है। ये हर काम सही ढंग से करते हैं और उसे पूरा किए बगैर आगे नहीं बढ़ते हैं। ये नई जगह पर आसानी से ढल जाते हैं। इनके जीवन में अगर कोई बदलाव होता है तो वो उसे एडजस्ट करना जानते हैं। कोई इन्हें धोखा भी नहीं दे सकता है। अगर कोई इन्हें धोखा दे देता है तो दुखी होकर ये समय नहीं गंवाते बल्कि आगे बढ़ते हैं। छठी पोजीशन है स्टार फिश पोजीशन। हाथों को अपने सर से थोड़ा ऊपर रखकर पीठ के बल लेटने वाली स्थिति को स्टार फिश पोजीशन कहा जाता है। ये सबसे हेल्दी पोजीशन मानी जाती है, लेकिन फिर भी इनको कभी कभी अश्वसन की समस्या हो सकती है। कभी कभी कंधों में भी दर्द हो सकता है क्योंकि ज़्यादा दबाव कंधों पर ही आता है। ऐसी स्थिति में सोने वाले लोगों के बारे में कहा जाए तो ये गुड लिसनर होते हैं। आगे वाला व्यक्ति कितना भी बोरिंग भाषण दे रहा हो तब भी ये उसे ध्यान से सुनते हैं और इसी खूबी की वजह से इनके काफ़ी सारे दोस्त होते हैं। लोग इनके साथ हमेशा बातें शेयर करना पसंद करते हैं। इनके शांत रहने के स्वभाव के कारण ही इन्हें काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है। तो ये थी वो सोने की छह स्थितियाँ जिनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता किया जा सकता है। आप कौन सी स्थिति में सोते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सकें। धन्यवाद।